है hey, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे किस तरह से आप मैन कमांड का यूज़ करेंगे लिनक्स में और ये इतना यूजफुल कमांड है कि आप अगर इसे समझ जाते हैं तो आप जो है लिनक्स को एक बेहतर तरीक़ा से आप यूज़ कर सकते हैं और लिनक्स को अपने तरह से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बहुत सारा काम आपको आसान होने वाला है तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए बिना स्किप किए दोस्तों मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं टेक महात यूट्यूब चैनल और इस चैनल में मैं रोजाना इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहता हूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेलकिन को दबा दीजिए तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मैं एक नोट्स तैयार कर दिया हूँ जहाँ पर मैन कमांड का एकदम एकदम डिटेल्स में वहाँ पर बता दिया हूँ और यहाँ पर मैं 12 क्वेश्चन का एक नोट्स बनाया हूँ जिस जिस नोट्स को आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आज मैं प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ तो पहला हम लोग क्वेश्चन है वाट इज मैन कमांड इन लिनक्स लिनक्स में मैन कमांड क्या होता है तो मैन कमांड इन लिनक्स इज यूज टू डिस्प्ले द यूजर मैनुअल ऑफ एनी कमांड दैट वी कैन रन ऑन टर्मिनल देखिए सिंपल से समझते हैं मैन कमांड का यूज़ हम लोग करते हैं किसी भी कमांड के मैनुअल को देखने के लिए राइट right? सो so, और ये जो मैन कमांड काम करता है वो काम करता है टर्मिनल में एग्जाम्पल के तौर पे जब आप डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीद के लाते हैं तो उस समय आपको एक बॉक्स मिलता है और बॉक्स में एक बुक मिलता है वह बुक जो होता है वो होता है मैनुअल बुक उसको पर का आप समझ पाते हैं कि किस तरह से कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करना है किस कहाँ से पावर ऑन होगा क्या क्या जो है वहाँ पर उसका कनेक्टिविटी है और बेसिक जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाता है इससे आपको पता चल जाता है कि आखिर में डेस्कटॉप लैपटॉप किस तरह से कनेक्ट करना होता है या आप अपने लैपटॉप को किस तरह से अनबॉक्स वगैरह समथिंग वगैरह कर सकते हैं तो वो मैनुअल से हम उसका यूज़ करना समझ जाते हैं उसी तरह में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे यूज़ करके आप जो है ढेर सारा काम कर सकते हैं राइट लेकिन आप इसका मैक्सिमम यूज़ करने के लिए आपको इसके मैक्सिमम कमांड को जानना पड़ेगा राइट और बात यह है कि हर कमांड को जानना पॉसिबल नहीं है याद रखना पॉसिबल नहीं है तो उसको यूज़ करने के लिए हम मैन कमांड का यूज़ करके हेल्प ले करके उस कमांड के बारे में समझ सकते हैं और बेहतर से यूज़ कर सकते हैं ओके तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है हाउ टू डिस्प्ले द होल मैनुअल ऑफ कमांड सो दिखाते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी कमांड का पूरा मैनुअल आप कैसे चेक करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखिए कि जैसे हमको चेक करना है आ, से फॉर एग्जाम्पल मैन एक तो एक कमांड है राइट right? तो एक तो कमांड है और इसी के मैनुअल को हम लोगों को चेक करना है तो मैन स्पेस और कमांड का नाम देते हैं कमांड मेरा क्या है मैन इसके बारे में देखना चाहते हैं जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए तो हमें देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर उस का इन्फॉर्मेशन दे दिया अब आप इसे पढ़ना पड़ेगा ध्यान से जब आप पढ़िएगा तो और आपको डिटेल्स में समझ में आएगा थोड़ा बहुत मैं आपको समझाता हूँ देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं हाँ यहाँ पर दिया है नेम मैन उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एन इंटरफेस टू द सिस्टम रेफरेंस मैनुअल एक सिस्टम रेफरेंस मैनुअल प्रोवाइड करता है राइट मैन के संग में और बहुत सारे आप जो है कमांड को यूज़ कर सकते हैं यानी कि ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है हाई के ये सब तो हाई एफ हाई एल हाई डब्ल्यू ये सब को भी आप यूज़ कर सकते हैं तो इसका भी यूज़ करके आप जो है और डिटेल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ एग्ज़म्पल दिया गया है मैन स्पेस एल एस की तो क्या होगा यहाँ पर यह कि मैन स्पेस हाइफन ए कीजिएगा तो क्या होगा राइट ओवरव्यू वगैरह दिया गया है यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट सेटिंग दिया गया है यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ ऑप्शंस यूज़ करना यहाँ पर बताया गया है हाइफन सी हाइफन डी हाइफन कैपिटल डी और यहाँ पर तो इस तरह से जो है आप मैन का यूज़ करके देख पा रहे हैं किस कमांड का कैसे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अब यहाँ से अगर बाहर निकलना है देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर दे दिया देखिए देख रहे हैं मैनुअल पेज लाइन थ्री 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 प्रेस एज फॉर द हेल्प और क्यू फॉर द क्विट हमको यहाँ से बाहर निकलना है तो हम लोग क्यू प्रेस करेंगे जैसे क्यू प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे हाउ टू डिस्प्ले मैनुअल पेज फ्रॉम स्पेसिफिक सेक्शन आपको पूरा का पूरा नहीं देखना है आपको क्या देखना है आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक सेक्शन का मैनुअल पेज देखूं तो आपको करना क्या पड़ेगा उसके लिए कमांड क्या रहेगा आपका मैन मैन लिखने के बाद कौन सा सेक्शन देखना चाहते हैं सेक्शन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो भी सेक्शन देखना चाहते हैं उसका आप नंबर लिखिएगा सपोज मैं देखना चाहता हूँ नंबर टू राइट और किसान देखूँगा मैन का देखूँगा है क्लिक मैं इंटर दिखा दिया तो नो मैनुअल एंट्री फॉर द नो मैनुअल एंट्री फॉर मैन इन सेक्शन टू सेक्शन टू में मैन का एंट्री नहीं है तो दूसरा दूसरा मैं कमांड देखता हूँ कि और कोई कमांड होगा उसका जो है एंट्री रहेगा इंट्रो प्रेस किए यहाँ पर तो देखिए दिखा रहा है सेक्शन टू में जो है इंट्रो दिखाई दे रहा है आपको उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सेक्शन टू सेक्शन वन सेक्शन थ्री बहुत सारे सेक्शन होते हैं तो उस सेक्शन में आप जो है डायरेक्टली बाय द हेल्प ऑफ कमांड आप पहुंच सकते हैं क्विट करते हैं बाहर निकलते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ टू डिस्प्ले ऑल मैनुअल पेजेस फॉर अ गिवेन इनपुट राइट जो भी आप इनपुट देख रहे हैं उस इनपुट का आप चाहते हैं जितना मैनुअल पेज अवेलेबल है सारा का सारा हमें दिखा दे राइट right? तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको तो सिंपली मैं देखता हूँ कि मैन स्पेस हाईफेन ए हाईफेन मतलब ऑल राइट right? और जो कमांड देना चाहता हूँ उस कमांड का मान लीजिए कि इंट्रो एक कमांड है तो इस कमांड का मैं पूरा का पूरा मैनुअल पेज देखना चाहता हूँ कितना मैनुअल पेज इसका अवेलेबल है प्रेस करेंगे इंटर देखिए यहां पर फुल मैनुअल पेज दिखा दे यहां पर इंटर प्रेस करके हम बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं तो बाहर निकलने के लिए प्रेस करते हैं क्यू सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है हाउ टू सर्च कंसिडरिंग इनपुट एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन तो हम चाहते हैं कि कोई भी एक कमांड हो और उस कमांड का जो कॉरेस्पांडिंग जो भी और कमांड हो उसके बारे में मैं देखना चाहता हूँ सपोज मैंने लिख किया मैन और हाईफेन यहाँ पर के देंगे जो उसका कॉरेस्पोंडिंग कमांड को देखने के लिए और मैं देखता हूँ सी टी सी टी तो एक अपने में कमांड है लेकिन उसका जो कॉरस्पोंडिंग बहुत सारे कमांड आपको मिल जाएंगे प्रेस करता हूँ मैं इंटर देखिए सी डी एक अपना कमांड है और सी डी के संग में इतने सारे जो कमांड है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में है और उसका यूज जो है यहाँ पर दिखाया गया है एक कमांड है और उसका क्या यूज़ हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है हाउ टू डिस्प्ले द मैनुअल पेज ऑफ केस सेंसिटिव कमांड कोई भी केस सेंसिटिव कमांड हो उसका मैनुअल पेज हम लोग कैसे देखेंगे राइट देखिए बाई डिफॉल्ट क्या होता है कि जब अब मैन कमांड का यूज कर सक करते हैं संग में जिस कमांड का मैनुअल लिखना चाहते हैं तो वह केस सेंसिटिव से को जो है इग्नोर करता है यानी कि जो कमांड कैपिटल और स्मॉल लेटर से मिला रहता है उसे वह इग्नोर करता है लेकिन आप चाहते हैं नहीं जो कमांड मैं डाल रहा हूँ उसी कमांड को हम देखना है तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं एक ऑप्शन का तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ देंगे मैन हाई फेन आई आई पे देने के बाद आप लिखेंगे प्रिंट एफ एक कमांड है कमांड के बारे में मैं चेक कर रहा हूँ तो क्लिक करूँगा यहाँ पर तो दिखा दिया इसका जो है आपका ये कमांड है और उस कमांड के बारे में इन डिटेल्स में आपको यहाँ पर दिखाया है राइट right? सो so, अब देख पा रहे हैं ये हमारा केस सेंसिटिव को पकड़ रहा है कि कैपिटल स्मॉल को ये हमारा ये पकड़ के दिख रहा है कि इसका यूज़ हम लोग कैसे कर रहे हैं करेक्ट अगर हम करते हैं यहाँ से बाहर हम निकलते हैं क्वी करके और अगर फिर करते हैं मैन हाई फैन आई और कैपिटल लिखते हैं प्रिंट एफ तो यहाँ देखा नो मैनुअल एंट्री फॉर द प्रिंटेफ राइट तो हमारा ये स्मॉल और कैपिटल देखा ना पी यहाँ पर कैपिटल दिए था और यहाँ पर स्मॉल दिए थे तो एक्चुअली कमांड जो हमारा स्मॉल पी से शुरू हो रहा है तो वो कमांड अवेलेबल है उसके मैनुअल अवेलेबल है लेकिन ये इसका मैनुअल अवेलेबल नहीं है अगर मान लीजिए कि हम यहाँ देते हैं मैन स्पेस प्रिंट एफ इंटर देखिए दिखा दिया मैनुअल तो आप देख पा रहे हैं कि हम फर्स्ट कमांड में यूज किए थे हाइफ़ेन आई का तो हमें दिखाया था मैनुअल और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाइफ़ेन आई की तो नहीं दिखाया क्योंकि यह जो है आपका के सेंसिटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा तो तो हम लोगों ने क्या किया पहला जो कमांड दिया मैन हाई फेन उसके बाद से प्रिंट एफ जो उसका एक्चुअल कमांड है तो वो कमांड के सेंसिटिव है और एक्चुअल कमांड भी है तो वो ऑटोमेटिक ये दिखा दिया लेकिन हम किए मैन हाईफेन आई और कैपिटल में जैसे पी दिए तो कैपिटल पी से कोई कमांड नहीं है स्मॉल पी से है तो वो आपको दिखाया क्या एरर दिया नो मैनुअल इंट्री राइट फिर से हमने की सिर्फ मैन और प्रिंटेव मतलब हम कोई भी ऑप्शन का यूज़ यहाँ पर हम नहीं किए और जब हम क्लिक किए तो हमें इसका मैनुअल दिखा दिया यानी कि इससे पता चलता है कि जो मैन कमांड है डिफॉल्ट वो केस सेंसिटिव लेस होता है जैसे इस ऑप्शन को हम यूज कर सकते कर देते हैं हाइफ़ेन आई को तो हम बताते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं केस सेंसिटिव कमांड करेक्ट ऐसा बहुत सारे कमांड है जो कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं ऐसे बहुत सारे कमांड हम आगे आने वाले समय में देखने वाले हैं हाउ टू डिस्प्ले मैनुअल पेज इन अ ब्राउजर अब हम चाहते हैं जो मैनुअल पेज है उस पेज को मैं यहाँ ना दे करके मैं ब्राउज़र में देखूंगा करेक्ट तो उसके लिए जो कमांड आपको यूज़ करना पड़ेगा वो है मैन हाई देने के बाद कैपिटल में देना पड़ेगा एच राइट एच मतलब ह्यूमन रीडेबल यहाँ पर आप समझ सकते हैं और देने के बाद आपको देना पड़ेगा कौन सा ब्राउजर में आप उसे देखना चाहते हैं मैं देखना चाहता हूँ फायरफॉक्स में तो यहाँ लिखेंगे मुर्जिला फायरफॉक्स अगर देखना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर लिख देंगे फायर फॉक्स लिख करके कौन सा कमांड के बारे में देखना चाहता हूँ प्रिंट तो एफ के बारे में तो दोस्तों हम चाहते हैं कोई भी कमांड का मैनुअल जो है हमें ब्राउज़र पे दिखाई दे उसके लिए हम लोग कमांड यूज करना पड़ेगा मैन स्पेस हाईफेन कैपिटल एच कैपिटल एच से क्या हुआ कि अब आपका ह्यूमन रीडेबल इन ब्राउजर में आ जाएगा कौन सा ब्राउज़र का नाम देना है तो यहाँ पर नाम दे दीजिए हम चाहते हैं फायरफॉक्स तो यहाँ लिख देंगे फायरफॉक्स हम चाहते हैं गूगल क्रोम तो यहाँ लिखेंगे गूगल हाइफन क्रोम लिख देंगे और उसको प्रिंटेड कौन सा कमांड देखना चाहते हैं वो कमांड यहाँ पर टाइप कर लेंगे देखा प्रेस करेंगे यहाँ पर इंटर जैसे इंटर प्रेस किए तो यहाँ पर कुछ एरर दिया है यानी कि हमारे इस सिस्टम में कुछ एरर है और एरर को इस तरह से रिजॉल्व करना है सो यहाँ पर हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आपके सिस्टम में यहाँ पर दिखाएगा राइट कुछ यूटिलिटी हमने यहाँ पर किया था उसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है और मैं इसको दूसरा सिस्टम में एक बार ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ टर्मिनल को ओपन हम लोग करते हैं हम आर एच एल एट में हैं और इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ओके okay, और यहाँ पर टाइप करते हैं कमांड मैन हाई एच फायरफॉक्स और कोई भी कमांड मतलब प्रिंट एफ देख पा रहे हैं ये ब्राउजर में ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको दिखा रहा है इस कमांड का इस्तेमाल आपको कैसे करना है राइट तो दोस्तों मेरे सिस्टम उबंतु का है और यहाँ पर आ, कुछ मैं काम कर रहा था जिस कारण से वो नहीं दिखा रहा है ये मेरा फ्रेश जो है आर एच का सर्वर है जिसमें आप देख पा रहे हैं इसका आउटपुट ओके सो so, इसको हम लोग करते हैं क्रॉस इसको करते हैं हम लोग मिनिमाइज तो नेक्स्ट हम लोग कमांड है कि हाउ टू डिस्प्ले ऑल सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक इन अ कमांड एक टॉपिक वाइज हम देखना चाहते हैं एक कमांड में सो so, टॉपिक क्या रहेगा टॉपिक हमारा कमांड ही रहेगा तो उस कमांड का जितना हमारे पास जो सेक्शन है वो हमको दिखा देगा सो so, सबको मैं एग्जाम्पल के तौर में देखता हूँ कि मैन राइट हाई फेन ए डब्ल्यू इस ऑप्शन का यूज़ किया मैंने करने के बाद एक कमांड में टाइप करता हूँ सी एच एम ओ डी राइट right? एक कमांड है प्रेस करता हूँ इंटर तो ये हमको दिखा दिया सी एच मोड बोल करके के यहाँ पर है कमांड और उस कमांड में हमारा ये दिखा रहा है मैनुअल राइट थोड़ा सा और मैं डिटेल में चले जाता हूँ आर एच एल एट में जाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि ये यहाँ पर कैसे काम करता है राइट right? सो so आप लोग इसको ट्राई करने वाले हैं आर एच एल एट में सो so इसको थोड़ा प्लस कर लेता हूँ मैन हाई फेन ए डब्ल्यू उसके बाद से सी एच एम ओ डी मोड तो जैसे हम दिए ये कमांड मैन स्पेस हाईफेन ए डब्ल्यू सी एच मोड तो आर जी एल एट में इतने सारे जो देख पा रहे हैं हमारे पास अवेलेबल है राइट सो इतने सारे इन्फॉर्मेशन इतने जगह से आप हम इजी से ले सकते हैं तो देखिए ये सर्वर है उसलिए यहाँ पर और बहुत सारे यहाँ पर दिया गया है इन्फॉर्मेशन राइट तो आप यहाँ पर ट्राई कीजिए करने के बाद आपको जो है यहाँ से समझ में आने वाला है राइट So, करते हैं मिनीवाइज और हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हाउ टू फाइंड अ लोकेशन ऑफ अ मैन पेज कोई भी मैन पेज है उसका आप लोकेशन आप कैसे फाइंड करेंगे राइट right? तो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको देना पड़ेगा कमांड डब्ल्यू एच ई आर वेयर इज वेयर इज और हाई एम ये हमारा ऑप्शन यूज करेंगे और जो कमांड देखने जाते हैं कहाँ पर ये है तो उस कमांड को हम लोग लिखेंगे सी एच एम मोड सी एच मोड जो कमांड है वो कहाँ पर है उसको चेक करने के लिए देख पा रहे हैं सी एच मोड जो कमांड है हमें दिखा दिया है कहाँ कहाँ पर है राइट देख पा रहे हैं ये एक प्लेस हुआ यहाँ पर है राइट और यहाँ पर है तो इतने प्लेस में हम देख पा रहे हैं कि इस प्लेस में हमारा सी एच मोड जो है कमांड वो अवेलेबल है करेक्ट सो नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन हम लोगों का है व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट इज कमांड इन लिनक्स लिनक्स में व्हाट इज कमांड का हम लोग क्या यूज करते हैं सिंपली कोई भी कमांड के बारे में जानना है कि ये कमांड क्यों यूज करते हैं तो उसका डिटेल जानने के लिए हम लोग व्हाट इज कमांड का यूज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं टाइप व्हाट इज स्पेस कमांड का नाम प्रिंट एप तो यहाँ दिखा दिया प्रिंट एप का यूज़ हम लोग करते हैं फॉर्मेट एंड प्रिंट द डेटा को हम लोग प्रिंट आउट करने के लिए पकड़ते हैं वाट इज इंट तो यहाँ पर सिस्टम डी सिस्टम सर्विसेज एंड सिस्टम मैनेजर के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पर करते हैं व्हाट इज एल सो लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट एंड व्हाट इज सपोज हम करते हैं यहाँ पर पी डब्ल्यू डी सो पिन द करेंट वर्किंग डायरेक्ट राइट तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई कमांड तो हमको पता है बट कमांड का यूज क्या है दिखने के लिए हम लोग जो है ऐसे हम लोग कर सकते हैं मैन पी डब्ल्यू डी भी कर सकते हैं या वाट इज पी डब्ल्यू डी करेंगे तो सिंपल क्यों यूज करते हैं वो हमें बता देगा तो दोस्तों आज कोई इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पास में दिए बेल आइकन को दबा करके आप जो है नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाला हूँ उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए